नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आज झारखंड भाजपा प्रदेश कमेटी सदस्य चुनू कांत के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, जिला मंत्री नवीन कुमार सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय, नगर मंडल अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए निर्भय शाहबादी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कड़े शब्दों में उनके द्वारा कृषि बाजार समिति पर लगने वाले शुल्क को 1% से बढ़ाकर 2% तक दिया, जिसके कारण राज्य के किसान काफी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि रघुवंश सरकार ने इस शुल्क को वापस लेकर किसानों को राहत देने का काम किया था, लेकिन मौजूदा हेमंत सरकार ने किसानों के हित को दरकिनार करते हुए फिर से इसे लागू करने का प्रयास कर रही है, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती है और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेंगे। प्रेस के साथियों के माध्यम से बिल्कुल सही कहा है आदरणीय विधायक जी ने कि इसको सरकार वापस ले, नहीं तो हर स्तर पर इसका विरोध। ये तो हम लोगों ने तय किया है भारतीय जनता पार्टी का, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तो है, और यहाँ सारे लोग इसके विरोध में। इसीलिए गिरिडीह की इकाई आज हम लोग व्यापारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवस्था सरकार ने तय किया, इसको नहीं चलने देंगे हम लोग। ये इसका हम लोग विरोध करते हैं आपके माध्यम से, और हम ये चिलचिलाती धूप में आप सारे लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और चूंकि खास करके ये मेरा आवास है, इसलिए आपका बहुत आभार और शुक्रिया अदा करते हैं। आप बाजार समिति नहीं है जो बंगाल है, और वो बंगाल का इलाका हमारे प्रदेश से सटा हुआ है। व्यवसायी वहां से अनाज का आदान प्रदान करेंगे, प्रदेश को कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अफसर लोग उनकी गाड़ियों को पकड़कर उनके व्यापार पर दबिश करके और पैसा और लूटने का काम करेंगे। इसका मतलब ये प्रदेश जनहित में काम करना नहीं चाहती है, प्रदेश पूरी तरह से इंस्पेक्टर राज कायम करना चाहती है प्रदेश में, और अफसरों के माध्यम से इस झारखंड प्रदेश को, झारखंड प्रदेश की भोली भली जनता को लूटने का काम करना चाहती है, और इसको ये कदापि भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। आज हम लोग प्रेस के माध्यम से विरोध कर रहे हैं।